इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताएं यूपी के 13 आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर, ये खबर मिल रही है। कौशल राज शर्मा को कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया है और यूपीएसआरटीसी के एमडी आरपी सिंह चित्रकूट के कमिश्नर बनाए गए हैं। देखिए ये बड़े पैमाने पर बदलाव की खबर आपके सामने रख रहे हैं। एस राजालिंगम को वाराणसी का डीएम बनाया गया है, प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल को झांसी के कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है और कुल मिलाकर के ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर आप तक पहुंचाएं। बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, देखिए कहां कहां कौन कौन से बदलाव हैं ये डिटेल्स भी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके पीछे की वजह जानने के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, ये बड़े बदलाव किए गए हैं, 13 आईएएस ऑफिसर्स बदले गए हैं, क्या वजह बताई जा रही है, क्या है डिटेल? देखिए इसमें कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिनका प्रमोशन हो चुका था और उसके बाद से वो इंतजार कर रहे थे अपनी नई तैनाती का। जैसे बात करें वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा की अगर, तो उनका भी देखिए प्रमोशन हो चुका था पहले ही, जिस समय लखनऊ के डीएम का हुआ था। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश को तो सचिव पद पर तैनाती मिल गई थी, लेकिन कौशल राज शर्मा इंतजार कर रहे थे, अब उनको देखिए प्रयागराज मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। इसी तरह से अगर बात करते हैं तो जो यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसके जो एमडी थे राजेंद्र प्रताप सिंह, उनको चित्रकूट का कमिश्नर बनाया गया है। संजय कुमार जो सचिव थे वित्त विभाग में, उनको इसमें परिवहन विभाग में एमडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से प्रयागराज के जो कमिश्नर थे संजय गोयल, उनको अब झांसी का कमिश्नर बनाया गया है। एस राजलिंगम जो कुशीनगर के डीएम थे उन्हें बिल्कुल। शैलेश, तो ये बड़े पैमाने पर बदलाव है और इसकी वजह ये बताई जा रही है, प्रमोशन के बाद पोस्टिंग का इंतजार था इन तमाम ऑफिसर्स को। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।